concerned what was it? Open and out from the straight. So then we need to see the DC members. ये हमारी एसोसिएशन रुको रुको मैडम सुनील साहब आओ हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे जिला में हमारे लोग जो हैं वो नहायत ही शरीफ किस्म के लोग हैं। हमें मैं आपको ये कह दूं कि ये जो लोग हैं यूएसपी साहब यहां से गए न्यायिक क्षेत्र जितना भी स्टाफ यहां हमें दिया गया मैंने तो कभी मीटिंग में तहरीफ करना जो है ये सबसे बड़ी मुनाफत है जो मुंह पर तहरीफ करे अपॉइंटेड एस एस पी सेंटर सो फार एज my affiliations with this system and my affiliations with this Jammu Kashmir police he is very honest he is very upright and he is very straightforward person and at the very outset I would like to extend my warmest congratulations to him and also welcome him on behalf of people of Kashmir so far as this Tehsil Saran court is concerned sir it is comprised of almost 72 panchayats and 31 revenue villages a more than 2 lakh population and we have almost 1 lakh manhas for hazar nasar they are retired as instructors of police and then we have the credit of having deputy commissioners like nasar like kalam and khaja and hamare shekh rafiq ye isliye main keh raha hu ki ye dharti bahut fatal hai एसएसपी साहब सबसे पहले हम आपको सरजमीन पूंछ और खासकर तहसील सुरन कोट जो हार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है इसमें आप आज तशरीफ लाए आपको मुबारकबाद भी देते हैं और आपका मोस्ट वेलकम करते हैं और इस हाल में जो बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर काफी तादाद में दिख रहे हैं जो अपने अपने इलाका की परेशानियां भी बताएंगे आपको और मैं ये मुनासिब समझूंगा कि आप फर्स्ट एसएसपी हैं जो पुंछ में आए हैं और जिन्होंने आते ही सुरन कोर्ट को चुना पब्लिक मीटिंग के लिए इसके लिए उन्होंने आते हैं और जंगल में वो पनाह ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें बड़ी कोफ्त होती है और आपको भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी जबरदस्त कोफ्त होती है। हमने सब ने मिलकर जैसे पहली जंग लड़ी है मिलिटेंसी के खिलाफ आज भी उसी तरह से वो जंग हम लड़ रहे हैं। हम लोगों ने बिहेवियर किया है आपने वो लोग जो डोकू में जाते हैं उनको कहा है कि किसी किस्म की भी अगर कोई बात हो तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आर्मी पुलिस स्टेशन या किसी जिम्मेदार आदमी के पास पहुंचा दें। वो लोग सब बिहेवियर हैं आज के जो जितने भी नंबरदार चौकीदार हजरात हैं उन सब की भी ये ड्यूटी है उसके लिए एस पी साहब मैंने उनका जो कैलिबर ऑफ थिंकिंग है वो बड़ा हाई है उसकी हाइट नापने के लिए मेरे पास पैमाना नहीं था। आपने बहुत अच्छी टीम यहाँ पर जो है दी आमिर साहब की शक्ल में एसएचओ राजवीर साहब की शक्ल में हमें चाहिए था एक साइन ऑफ गुड कमांड एक बेहतरीन कमांडर। जितना आपके बारे में सुना पड़ा आप आए हैं आपकी जो थिंकिंग है जिस तरह से आप चलाना चाहते हैं इन्होंने कल एक मैसेज अवाम सुन कोर्ट के लिए एक मुख्तसर मीटिंग पर मुझे दिया कि कोई भी शख्स मेरे लिए कानून से बालातर नहीं और कोई भी इंसान मेरे लिए कमतर नहीं तो इसमें मुझे लगता है कि ये सबको जहां तक अमन की बात है मैं ये समझता हूं कि जिसको आप सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं अगर आप हिंदुस्तान की नजर से देखें तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हिंदुस्तान की। मेरी दिली ख्वाहिश है मैं चाहता हूं कि काश ऐसा हो सकता लेकिन मुमकिन नहीं है लेकिन काश के हिंदुस्तान दिल्ली में बैठे हुए हर एक इंसान को कम से कम एक बार यहां आके काम करने का मौका मिलता तो फिर उसका नज़रिया बदलता कि हम किन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। जो अवाम और इंतज़ामिया के बीच का जो गैप था उसको फिल करना है।
कहीं ना कहीं लगता था कि कोई कम्युनिकेशन गैप है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी आरआर कितनी भी एसओजी मिलिटेंसी को तब तक खत्म नहीं कर सकती जब तक लोगों का साथ नहीं मिले। और दूसरी बात, चूंकि मुझे पता है कि ये सब ऑन रिकॉर्ड है, मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि मैं ये मानता हूं कि 60-70% मिलिटेंट्स टेररिस्ट यहां के लोगों ने खुद मारे हैं, केवल 30% का क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेस को जाता है। आज मैं नए एसएसपी साहब जो इस वक्त डाक बंगलो सुरनपोर्ट में बैठे हैं, अभी तमाम सरपंची हजरात और प्रोमिनेंट जितनी भी शख्सियात हैं और म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब और काउंसलर, तमाम लोग इस वक्त डाक बंगलो सुरनकोट में बैठे हैं। आज हम सब ने मिलकर एसएसपी साहब का वेलकम किया है और बहुत सारे जो मसाइल हैं उन पर बात की है। उसमें हमने ट्रैफिक पर बात की, चोरी चकारियों पर बात की, हमने ड्रग्स पर बात की, और हम नए एसएसपी साहब से ये उम्मीद रखते हैं कि तमाम चीज़ें ख़त्म की जाएंगी और स्पेशली ट्रैफिक पर काम किया जाएगा और ओवरलोडिंग पर भी काम किया जाएगा, चोरियों पर, ड्रग्स पर, तमाम चीज़ें जो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उन पर बात हुई है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं और पुरउम्मीद हैं नए एसएसपी साहब से कि वो इन तमाम चीज़ों पर काम करेंगे। और एसएसपी पुंछ जनाब विनय कुमार जी की तरफ से पहली मीटिंग जो है पब्लिक और पुलिस की मीटिंग जो है वो सुरनकोट में रखी गई थी, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे डीडीसी मेंबर, म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट के अलावा तमाम लोग जो है इलाका के मुख्तलिफ इलाकाजात से लोग जहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर कई चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन की गई है, जिसमें कई मुद्दों को जो है सिरे फ़रिस्त लाया गया है। बिलखसूस मैं ये कहूँगा कि एसएसपी साहब से ये गुजारिश लोगों ने की है कि ड्रग्स के ऊपर जो है वो जैसा काम इससे पहले एसएसपी साहब ने किया है और उन्होंने भी बेहतरीन काम जो है ड्रग्स के ऊपर किया है। बिलखसूस हमारे एसएचओ सुरनकोट और डीवाईएसपी सुरनकोट ने भी ड्रग्स के ऊपर काफ़ी नकेल कसी है और लोगों ने आज ये जो है एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि इस चीज़ को जो है ज़्यादा तेज़ी से किया जाए ताकि ड्रग्स के खात्मे के लिए जो है यहाँ पर काम किया जाए। और उस पर तमाम अपील जो है हमने भी लोगों से की है कि आप पुलिस के साथ पूरा तआवुन करें, पूरी सपोर्ट करें ताकि इस माशरे से ये जो गंदगी जो है वो ख़त्म हो सके। इसके अलावा कई चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की गई है और मैं तमाम आवाम को ये यकीन दिलाता हूँ कि महकमा पुलिस की तरफ से बेहतरीन काम यहाँ पे किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार जो है महकमा पुलिस की तरफ से स्पोर्ट्स मेला किया गया, ये तमाम चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ पुलिस अपना काम छोड़ के भी करती है। इस तमाम चीज़ों का करने का मकसद यही होता है कि यहाँ के नौजवानों को जो है ड्रग्स से कहीं ना कहीं ड्रग्स से जो है छुड़ाया जाए, जो है स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए, कल्चर की तरफ लाया जाए, किसी और कंपटीशन